छत्तीसगढ़ के कोरिया में मिट्टी खुदाई करते समय वर्षों पुरानी खंडित मूर्तियां मिली हैं। मूर्तियां मिलने को लेकर लोग उत्सुक नजर आ रहे हैं। मूर्तियां देखने के लिए लोगों का तांता लग रहा है। दूर दूर से भी लोग मूर्तियां देखने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि भरतपुर के अंतर्गत ग्राम उचेहरा निवासी नंदलाल बैगा ग्रामीण के यहाँ सैकड़ों वर्ष पुरानी भगवान की खंडित मूर्ति पाए जाने से लोगों में उत्सुकता देखी जा रही है। नंदलाल नामक व्यक्ति घर बनाने के लिए मिट्टी की खुदाई कर रहे थे। कुछ गहरी खुदाई करने के बाद उन्होंने देखा कि पत्थर का बना पैर जैसा कुछ मिट्टी के नीचे दबा पड़ा था, जिसे उन्होंने उठा लिया तो देखा कि यह पत्थरों का बना हुआ अति प्राचीन पैर है। उत्सुकतावश वहां उपस्थित अन्य लोगों ने और नीचे तक खुदाई करके ये देखने का प्रयास किया कि नीचे और कुछ तो नहीं है। खुदाई किए जाने के बाद बुद्ध भगवान का पूरा चेहरा मिला, जो पत्थरों का बना हुआ था। खंडित मूर्ति पाए जाने से खुदाई कर रहे लोग आश्चर्यचकित हो उठे। मूर्ति मिलने की सूचना पर गांव के तमाम लोग इकट्ठा हो गए। खुदाई कर रहे नंदलाल बैगा खंडित मूर्तियों के टुकड़ों को वहीं पर उन्होंने स्थापित किया है। खुदाई में निकली हुई ज्यादातर मूर्ति भगवान बुद्ध की है, इसलिए वहां के लोगों का कहना है किसी काल में यहाँ बुद्ध धर्म के मानने वाले लोग रहते होंगे। अब जो भी हो, यह तो जब पुरातत्व विभाग की टीम जांच करेगी तभी पता चल पाएगा कि यहां से निकलने वाली मूर्ति कौन से जमाने की है। वही मकान बनाने वाले का कहना है कि ये जगह में बहुत मात्रा में मूर्ति निकली है, जिसके कारण अब उस जगह में खुदाई बंद करा दिया गया है। कोरिया से संवाददाता राजू शर्मा की रिपोर्ट। वो वहां पे घर बना रहा था, वो घर बनाने के लिए मिट्टी खोदा, वहीं पे निकला वो मूर्ति। तो क्या और हो सकता है वहां पे? हो सकता है, यहाँ पर मिट्टी खोद रहे थे तो मूर्ति निकला। बहुत सारे इसमें मूर्तियां हैं, तो डर के मारे मिट्टी खोदना बंद कर दिया। इस घर वाला जो है ग्राम उचेहरा का रहने वाला है, वो घर बनाने के लिए मिट्टी खोदता था वहाँ पर। वो खोदते खोदते एक कुछ मूर्तियां निकल आए, और कुछ मूर्तियां बहुत कुछ हैं वहाँ पे, वहाँ मिट्टी खोदना बंद कर दिया गया। और कुछ दूसरे जगह से मिट्टी लान कर नंदलाल बैगा घर बनाता था वहाँ पे, तो वहाँ निकला था वो मूर्तियाँ, वहाँ से फिर दूसरे जगह से लान की मूर्तियाँ बना लिया गया, स्थापित कर दिया गया वहाँ पे। और वहाँ पे मूर्तियाँ तो हैं और बहुत सारा मूर्तियाँ हैं, कहा जाने प्रशासन इसको चाहे तो देख सकता है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.